दीपोत्सव पिछले दो वर्षों की अपेक्षा बेहद खास होने जा रहा है। सरकार और जन सहयोग से वृहद दीपोत्सव मनाने की तैयारी सरकार कर रही है। इस बार दीपोत्सव में पुलिस थानों सहित सरकारी इमारतों में भी दीप जलाए जाएंगे। पूरी अयोध्या में 5.5 लाख दीप जलाए जाएंगे, जिसमें 2 लाख दीप जनता के सहयोग से जलाए जाएंगे। डीजीपी व मुख्य सचिव ने दीपोत्सव स्थल राम की पैड़ी का निरीक्षण भी किया। डीजीपी ओपी सिंह ने कड़ी सुरक्षा के बीच दीपोत्सव मनाए जाने की बात कही। वहीं मुख्य सचिव आर के तिवारी ने राम की पैड़ी में चल रहे कार्यों से संतुष्टि जताते हुए ऐतिहासिक दीपोत्सव मनाए जाने की बात कही। अयोध्या में इस बार 26 अक्टूबर को योगी आदित्यनाथ सरकार तीसरा दीपोत्सव मनाने की तैयारी कर रही है। यह दीपोत्सव 24 से 26 तक चलेगा। आज दीपोत्सव की तैयारी का जायजा लेने मुख्य सचिव आर के तिवारी व डीजीपी ओपी सिंह अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने राम की पैड़ी राम कथा पार्क का निरीक्षण किया। डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि इस बार दीपोत्सव का आयोजन बहुत भव्य होगा। सरकारी इमारतों सहित पहली बार थानों में भी दीपक जलाए जाएंगे। अयोध्या हमेशा हाई अलर्ट जोन रहा है, अयोध्या की सुरक्षा में कोई कमी नहीं रहेगी। सरयू नदी सहित सभी जगहों पर सुरक्षा बल तैनात होंगे। अयोध्या में धारा 144 लगाना एक नॉर्मल प्रक्रिया है। वहीं मुख्य सचिव ने कहा कि दीपोत्सव की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। 5.5 लाख दीपोत्सव से अयोध्या जगमगाएगी। 2 लाख दीपक जनता के सहयोग से जलाए जाएंगे। सरकारी व प्राइवेट भवनों पर भी दीपक जलाएंगे। इस बार का दीपोत्सव ऐतिहासिक होगा। वहीं 17 अक्टूबर को अयोध्या विवाद की सुनवाई पूरी हो, ऐसे में प्रदेश की सुरक्षा के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। गीता जो है पूरे प्रदेश में और यहाँ के लोगों में विशेषकर एक है कि हम लोग इसको बहुत ही भव्य रूप से दीपकोत्सव मनाएंगे और इसके लिए सुरक्षा के चाक चौबंद सभी किए जाएंगे। आप जानते हैं कि अयोध्या हमेशा एक हाई अलर्ट जोन रहा है और यहाँ पे हम रिवर के ऊपर, लैंड के ऊपर, वायु के ऊपर, सभी के ऊपर हम लोग ये नज़र रखेंगे कि कोई असामाजिक तत्व तो इसमें कोई विघ्न न पैदा करे। और साथ ही साथ जैसा कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा, ये पीपल्स मूवमेंट की तरह होगा। जितने भी सरकारी संस्था हैं, प्राइवेट संस्था हैं, लोग हैं, थाने हैं, बल्कि हम थानों को भी अपील कर रहे हैं कि वो भी अपने दिए जलाएं अपने अपने प्रांगण में। और सुरक्षा की व्यवस्था इतनी व्यापक होगी, पिछले वर्ष भी हम लोगों ने किया था, चूंकि इस बार स्तर और विशाल तरीके से किया जा रहा है, पूरी व्यवस्था इसकी होगी। पैरामिलिट्री फोर्सेस, पीएसी, रिवर पुलिस, सभी की व्यवस्था रहेगी। सर, एक और सबसे अहम संभावित फैसला है, कई बड़े कार्तिक मेला है, दीपोत्सव है, ऐसे में धारा 144 लगाया गया है। देखिए, जिला प्रशासन हमेशा उन उपायों को लगाता है। 144 एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो लगाई गई है और ये विशेष अवसरों पर लगाया जाता है। आजकल हमारा फेस्टिवल है, दीपावली है, दीपकोत्सव है, इन सबों को मद्देनजर जिला प्रशासन लगाया है, जो कि हमेशा लगता है। तेजी से चल रही है और सभी जगहों पे, सभी स्थलों पे पूरी तैयारी में अफसर जुटे हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार बड़ा ऐतिहासिक ये दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा। इस बार रिकॉर्ड संख्या में दीप जलाए जाएंगे और दीप केवल पर्यटन विभाग या सरकार के माध्यम से ही नहीं, इसमें जन जन की भागीदारी होगी। ये हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 2 लाख दीप कम से कम जनता के द्वारा जलाए जाएं, विद्यालयों में जलें, सरकारी भवनों में जलें, प्राइवेट भवनों में जलें, प्राइवेट घरों में तो जलते ही हैं, तो पूरा अयोध्या जनपद दीपमय हो जाए, ये हमारा ये इस बार का प्रयास है। और इस बार जो दीप जलेंगे वो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड हमें उम्मीद है कि बनेगा। अयोध्या का एक अहम फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट में 17 अक्टूबर को पूरा हो रहा है, उसको देखते हुए अयोध्या में किस तरह चाक चौबंद रहेगी आपके? देखिए, सरकार प्रत्येक दशा में हर जगह सुरक्षा करने के लिए कृत संकल्पित है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी हर जगह और शासन जन सहयोग के माध्यम से पूरी तरह पूरे प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कृत संकल्प है। कब तक ये काम पूरा हो जाएगा, आपने क्या दिशा निर्देश है? ये काम लगातार आपके सामने चल रहा है और दीपोत्सव के पहले सारी तैयारियां पूरी हो जाएंगी। 21 तारीख तक ये पूरा काम हो जाएगा।